एक क्वेश्चन, इसमें से क्या सही है, डूइंग द राइट थिंग और डूइंग थिंग्स राइटली? बहुत लोग बोलेंगे डूइंग थिंग्स राइटली सही है, पर अगर आपको पता चले कि जिस काम को आप कर रहे थे वो अंत में जाके गलत निकला, फिर इसलिए मैं कहता हूं डूइंग राइट थिंग सही है। पहले आप काम को सही कीजिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं किस आर्ट मटेरियल और टूल्स आपके लिए सही है और बेसिक और बिगनर्स लेवल पे आप उसको यूज कर सकते हैं और अपने आर्ट जर्नी को और एक्साइटिंग बना सकते हैं। नंबर वन है पेपर, लूज पेपर या मीडियम साइज ड्राइंग कॉपी आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाए। नंबर टू है पेंसिल, आप पेंसिल के लिए बी पेंसिल यूज करें। थर्ड है इरेजर और शार्पनर, शार्पनर के लिए मैं डोम्स और इरेजर के लिए भी मैं डोम्स का इरेजर प्रेफर करता हूँ। शेडिंग के लिए मैं यूज करता हूँ अप्सरा का शेडिंग पेंसिल्स, HB, 2B, 4B, 6B, 8B और एक चारकोल मैं रखता हूँ एक्स्ट्रा डार्क डार्कनिंग के लिए। कलर पेंसिल्स के लिए मैं डोम्स का 12 शेड्स कलर पेंसिल्स यूज करता हूँ, जो कि आज तक मुझे बेस्ट क्वालिटी पीकॉक वाला जो ड्राइंग था वो भी मैंने इसी ड्राइंग पेंसिल से किया था। ऑयल पेस्टल के लिए मैं यूज़ करता हूँ फेबर कैस्टल का ऑयल पेस्टल, आप क्लासमेट का भी ऑयल पेस्टल यूज़ कर सकते हैं और मुझे डोम्स का भी ऑयल पेस्टल बहुत ही अच्छा लगता है। कैमलिन का भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल है। स्केच पेन के लिए मैं यूज़ करता हूँ लिटिल आर्टिस्ट का स्केच पेन्स, जिसमें दो टिप रहती हैं, एक फाइन ब्रश टिप और एक स्केच पेन के लिए ये ब्रॉड टिप, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ता है स्केचिंग करने के लिए। आप इसको बाय कर सकते हैं, मार्केट में मिलने वाले जो स्केच पेन्स होते हैं उसको प्रेफर ना करें, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रोक्स आते हैं जो कि ड्राइंग के लिए बिगनर्स के लिए मुझे अच्छा। वाटर कलर के लिए आपके पास वाटर कलर केक्स भी आप बिगिनर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और वाटर कलर ट्यूब्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ट्यूब्स ऐसे कैमलिन का वाटर कलर ट्यूब्स आता है, दोनों ही बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया है, आपको जैसे फेवरेबल हो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्टर कलर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैमलिन का 12 शेड्स प्रीमियम पोस्टर कलर्स, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, ये ऐसे ट्यूब्स में आता है और आप ऐसे मिक्स करने के लिए पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैलेट्स नहीं तो आप घर पे अगर कोई प्लेट्स होगा उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रशेस के लिए आप ये फ्लैट ब्रशेस या राउंड ब्रशेस दो सेट आप ले सकते हैं, ये आ जाते हैं आपको ऑलमोस्ट 15-20 रुपीज़ में पर सेट आ जाता है, तो ये चीप भी है और बिगनर लेवल के लिए वाटर कलर के लिए ये काफ़ी है। फैब्रिक कलर्स के लिए आप फैब्रिक्लिक ये यूज़ कर सकते हैं, ये 20 रुपीज़ पर पीस आता है और अगर आप ये बॉक्स बाई करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 180 में तो। और इसका मीडियम थोड़ा सा डार्क रहता है तो इसको लाइट करने के लिए आप ये मीडियम वन यूज़ कर सकते हैं, जो फैब्रिक कलरिंग में यूज़ होता है नॉर्मली। तो दैट्स इट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कर दे और रेड वाले सब्सक्राइब बटन को ग्रे करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। Till then, thank you. Hello and welcome to my video. Welcome to my channel. बोला था। बहुत लोग बोलेंगे, doing things rightly. नहीं, फिर से। बोलेंगे कि doing right है।